जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, इस सेवा के मौके के लिए शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म और शुक्राना संगत जी, आज 9वीं और 10वीं पौड़ी की व्याख्या है जी। भूल चूक के लिए क्षमा करना मुझे। सुनिए सत्संतो ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पर पर पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। गुरु नानक देव जी महाराज और आगे बढ़कर ये कहते हैं दैट ही एक्सप्लेन्स दैट द महानता ऑफ सुनना, जो उन्होंने पिछली 2 पौड़ियों में भी समझाया, अब और समझा रहे हैं सुनने की कितनी बड़ी महानता है। पाप नाश हो जाते हैं, दुख नाश हो जाते हैं। द इंटेंशन टू हार्म एनीबडी लीव्स। हाउ डज दिस हैपन? बिकॉज नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। जो सुनता है, सुन सुन के उसके अंदर सहजता आ जाती है, काम। ही इज अ काम पर्सन, हैप्पी पर्सन, and he is always happy, basically he is always in bliss and contentment, he is always satisfied. When a person is like this, he is quick to forgive, he is ready to give in terms of giving somebody peace, happiness through his words, and even helping out wherever he can, and wo daan dene ki sthiti mein rehta hai. Because he is so peaceful within himself, he spreads that peace. उदाहरण के लिए, there is a small child, as we all, मतलब जब बचपन में, हाँ, we are not ready to share our toys. कभी कभी तो ये भी देखते हैं कि अगर बच्चे से खिलौना मांगो तो वो अपना खिलौना तोड़ देगा, लेकिन वो देगा नहीं आपको। ये तो बचपन की अवस्था होती है। जैसे जैसे the child grows up, he evolves. He becomes more and more a giving person, you know, if he is on the right track. अब दान क्या होता है? दान is जब कोई तुमसे नीचे है financially या आपसे पीछे रह गया है, आप कोशिश करते हो कि मैं इसकी मदद करके इसको उठाऊं, इसकी problem से उठाऊं. So this is the अवस्था of सुनना. सुनिए 68 का स्नान, सुनने वाला बिकम्स सो प्योर एज इफ के उसने 68 होली पिलग्रिमेजेस में नहाया होता है, डिप लिया होता है, होली डिप लिया होता है। ही बिकम्स अ ब्रह्म ज्ञानी एंड इज अ वॉकिंग टॉकिंग तीर्थ हिमसेल्फ। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, एज ही कीप्स लिसनिंग, उसके अंदर the desire to read is also awakened, and he wants to learn, his thirst for learning becomes much more, he spends lots of time in reading more scriptures, increasing his knowledge. Now aise pad pad ke he uski wo uchi avastha mein ho jata hai aur he earns a good name. All this can be achieved, but the first step is सुनना, सुनना उनके नाम को सुनना। सुनिए लागे सहज ध्यान, जो सुनते सुनते उनका मन टिकाव में आ जाता है। पहले जो मन बिखरा रहता था, पर्सन कुड नॉट सिट स्टिल एंड कॉन्सेंट्रेट इवन फॉर 2 मिनट्स, बट ग्रेजुअली ही इज इन अ वेरी स्टेबल स्टेट एंड एकाग्रत मन जिसे कहते हैं, वो आ जाती है। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भक्ता सदा विगास, विगास इज नानक, जो उनके भक्त होते हैं वो सदा सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। देयर ऑलवेज एट पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस स्टेट ऑफ माइंड, ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड। सुनिए दुख पाप का नाश, अगर मेरी बात से किसी का दिल दुखे तो ये पाप है। पाप इज हर्टिंग समवन थ्रू योर वर्ड्स और थ्रू योर डीड्स। सो हमेशा ये इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि
ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे हमें जब वो कर्म वापस आए वो बहुत ज्यादा बन के आएगा और फिर हमसे सहा नहीं जाएगा। इसीलिए हमें अपने आप को वॉच करना चाहिए हमेशा। ये सिखा रहे हैं गुरु साहब इस पौड़ी में। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पौड़ी। सुनिए सरा गुनाह के गा, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे राव, सुनिए हथ होवे असगाव, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। नाउ सुनिए सरा गुनाह के गा, जो सुनता है उसके सारे उसके न, वो गुणों के सागर में ही डजेंट अचीव वन और टू गुन्स, वो एक गुणों के सागर में हो जाता है। ही बिकम सो फुल ऑफ गुण, मालिक उस पे ऐसी गुणों की बारिश करते हैं कि वो ही इज भर गया, वो भर जाता है गुणों से। सो जस्ट एज फूड एंटर्स आवर माउथ, बिकम्स ब्लड, बिकम्स मसल, बिकम्स बोन, बिकम्स एनर्जी, सिमिलरली जो शब्द हमारे कानों के थ्रू हमारे अंदर जाते हैं वो हमें गुणों से भर देते हैं। ध्यान इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस व्हेन वी आर लिसनिंग, ध्यान से लिसना बिकॉज विदाउट ध्यान से लिसन करना बिकॉज विदाउट ध्यान एनर्जी फ्लोज वेयर द ध्यान गोज। अब मैं कहीं बहुत पवित्र जगह में बैठी हूँ लेकिन मेरा ध्यान कहीं और हो, इट इज ऑफ नो यूज। अगर कोई बड़ी अच्छी कोई कुछ बात सुना रहे हैं पर मेरे कान तो खुले हैं लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं जाएगा अगर मेरा ध्यान कहीं और होगा। दी ओनली प्लेस और थिंग विच इज वर्थ वाइल पुटिंग आर ध्यान इन इज गॉड। सो अभी आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू समबडी सत्संग, वो कहते थे मेरा ध्यान भटकता था तो उन्होंने बोला कि मैंने सोचा कि मेरे उल्टा पुल्टा ध्यान जाने से अच्छा है मैं थोड़ा जस्ट मन मन में मन ही मन में जप कर लो। एंड ही फाउंड द आंसर एंड गुरुजी टोल्ड हिम दैट ऐसे ही किया करो, कीप डूइंग जप लाइक दिस ओनली। सो ऑब्वियसली दिस इज द बेस्ट वे टू कीप दैट माइंड फ्रॉम वेवरिंग इन टू द रॉन्ग थिंग्स। इफ वी आर वॉकिंग एंड समटाइम्स वी हैव सीन दैट वी आर वॉकिंग हमारा ध्यान कहीं और है, हम अपने ही घर घर में आने भूल जाते हैं। वी टेक द रॉन्ग टर्न एंड वी गो अहेड, वाई? बिकॉज हमारा ध्यान नहीं था। वी वर ड्राइविंग द कार और वी वर वॉकिंग बट वी डिड नॉट वी वर नॉट अलर्ट, वी वर नॉट अटेंटिव। सो दिस इज जस्ट टू शो कि ध्यान कितना जरूरी है एंड वी शुड नॉट लेट द माइंड स्ट्रे व्हेन वी आर लिसनिंग टू शब्द्स। ओके, एंड सो इट इज सेड दैट ध्यान से सुनना इज द ओनली रियल सुनना, ईयर्स डोंट लिसन, इट इज द ध्यान दैट इज लिसनिंग। सुनिए सरा गुना के गा। नाउ व्हाट इज सरा गुना के गा? जो सुनता है उसके अनंत अनंत गुणों का सागर हो जाता है, एक दो गुण नहीं बहुत सारे गुणों से वो भर जाता है। सुनिए शेख पीर पातशाह, नानक शेख पीर पातशाह, नाम सुनने वाला शेख पीर की तरह बन जाता है, राजा बन जाता है। नाउ राजा कौन होता है? राजा वो होता है, हम जिसे राजा कहते हैं वो पहले जमाने में राजा जो रजा होता है, द वन हु इज वेरी कंटेंट, जो रज गया है उसको राजा कहते थे। सो वो राजा हो जाता है। सुनिए शेख पीर पातशाह, सो वो राजा बन जाता है, वो तृप्त होता है। ओके, संत में कोई भूख नहीं रहती, दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड। ऑल दिस कैन ओनली कम विद नाम। कंपेयरिंग अ राजा टू नाउ, एक उस समय ना किसी ने बड़ी अच्छी बोली कि एक राजा ही इज लाइक द सिंहासन, जत सत इज द सहज संतोख, दैट इज द स्टेबिलिटी, दे आर हिज मिनिस्टर्स, धर्म इज हिज फ्लैग, धीरज एंड धर्म आर हिज फ्लैग, हिज निवास इज आत्म प्रकाश, हिज दया इज हिज रानी, भोजन इज प्रेम एंड कंटेंटमेंट इज हिज ट्रेजर। नाउ
These are just to the symbolic of all the guns that are there in a Raja and in his Singhasan and his ministers, So तभी कहते हैं कि राजा बन जाओ, राजा बन जाओगे अगर ऐसे नाम सुनोगे तो उसका भोजन क्या है? उसका भोजन प्रेम है, उसके उसकी अंतर आत्मा में अनाहद नाद बजता रहता है हमेशा। सुनिए अंधे पावे राव, जो आत्मिक तौर से अंधे हैं उनके लिए भी देर इज अ लॉट ऑफ होप, वो उन्हें भी राह मिल जाता है। वो सिर्फ तब तक अंधे हैं जब तक उन्होंने नाम नहीं जपा, जब तक उन्होंने नाम को सुना नहीं, नाम को ध्यान से नहीं सुना। सो देर इज होप फॉर ऑल, एवरी वन कैन मेक प्रोग्रेस स्पिरिचुअली ओनली बाय लिसनिंग टू शब्द। सुनिए हथ होवे असगा, ये वो कहते हैं दैट द नॉलेज दैट वन रिसीव्स सुनने से, वो इतनी ज्यादा, इतनी आपको नॉलेज की डाउनलोड होगी जैसे यू विल हैव द नॉलेज ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। दैट इज हथ होवे असगा, इतनी ज्यादा। पूरा चार पूरी चार पौड़ियां वाहेगुरु मालिक जी ने सिर्फ सुनने पे दी हैं, विच मीन्स द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी विच इज इन सुनना इज सो सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद वो आपको ही टेक्स यू फर्दर इन द नेक्स्ट फ्यू पौड़ीज। सो नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी, थैंक यू, शुक्राना।